नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है ट्रांसपोर्ट चैप्टर से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम? पहला ऑप्शन है नॉन मल्टी डायरेक्शनल, ऐसा नहीं होता है। दूसरा है अपवर्ड, तीसरा है डाउनवर्ड और चौथा है बाई डायरेक्शनल। तो हमने पढ़ रखा है क्या, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है और जाइलम क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। क्योंकि जो लीफ में फूड बनता है वो अपर साइड भी जाएगा और नीचे डाउनवर्ड भी जाएगा, मूवमेंट दोनों साइड का होगा, बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा। तो 126 का जो होगा ऑप्शन वो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जेनेटिक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है इसमें से जो इनहेरिट होता है? टिटैनी बिल्कुल भी नहीं इनहेरिट होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनहेरिट होता है। थर्ड है मायस्थीनिया ग्रेविस, चौथा है बॉट्यूलिज्म, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो इनहेरिट होगा, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। 127 का हम सेकंड के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास एनिमल किंगडम से आ रहा है। लिखा है कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स। पहला ऑप्शन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, तीसरा है ट्रू सीलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। अब लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला एनालिडा है और आर्थ्रोपोडा है और कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में ये तीनों तो पाया ही जाता है। फिर लिखा एनिलिडा ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का, नहीं एनिलिडा ऑर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, मोलस्का में नहीं पाया जाता है। फिर ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का कॉर्डेटा है, तो ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है, एनालिडा मोलस्का कॉर्डेटा है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, हम लोग फर्स्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, एनालिडा ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेनेटिक्स से आ जा रहा है हमारे पास। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वॉज एक्सप्लेन बाई, किसने इसको एक्सप्लेन किया था? तो इसका मैंने चेक किया है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर है एल्फर्ड स्टर्ट इवेंट। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, इसको मैंने देखा है, एल्फर्ड स्टर्ट इवेंट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड इज द राइट ऑप्शन, 129 का थर्ड होगा। थर्ड के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, एल्फर्ड स्टर्ट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है हमको वो देखना है। पहला ऑप्शन कहता है द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजिशन विद इन द डीएनए। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजिशन विद इन द डीएनए। दूसरा है द एंजाइम बाइंड डीएनए, यानी एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट पे एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा है द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बिल्कुल गलत। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। इसका सेकेंड ऑप्शन लग रहा है द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। 130 का टू बिल्कुल सही लग रहा है, हम सेकेंड के साथ जाना चाहेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, 130 का टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो लिखा है मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। फिर लिखा है क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी। तो ये भी सही है, पहला वाला भी, दूसरा भी सही लग रहा है। तीसरा है कुनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली, ये तो एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा कह रहा है ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, नहीं फिलामेंटस बॉडी नहीं। फोर्थ ऑप्शन गलत लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहा है। तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट है, हम फोर्थ ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द, यानी ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, यानी ऐसा प्लेसेंटेशन जिसमें ओव्यूल डेवलप करता है इनर वॉल ऑफ द ओवरी या पेरिफेरल पार्ट पे। तो इसका बेसल, एक्साइल, पेराइटल और फ्री सेंटर, ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पेराइटल होगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो 132 का पेराइटल प्लेसेंटेशन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है इसमें क्या होता है, जो लिखा है कि जिसमें जो ओव्यूल है वो डेवलप करता है पेरिफेरल रीजन में, तो
और अटैचमेंट रहेगा तो पेरिफेरल रीजन में पेराइटल प्रेजेंटेशन इज द राइट ऑप्शन, हम पेराइटल प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है इकोलॉजी से, इकोलॉजी का आ जा रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बींग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। ड्राउट एंड फ्लड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पूछ रहा है। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, रोड, रेलवेज ट्रैक और लोग फॉरेस्ट को उजाड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो हम 133 का फर्स्ट ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। 133 का हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाय ह्यूगो डी व्रीज आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। एवोल्यूशन का सवाल है ये, ठीक है। रैंडम एंड डायरेक्शनलेस इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि लिखा था कि म्यूटेशन, वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आता है, इस चीज़ को प्रपोज किया था ह्यूगो डी व्रीज ने, और जो था ये रैंडम और डायरेक्शनलेस था। तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, हम 134 के सेकंड ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लांट फिजियो से आ जा रहा है, रेस्पिरेशन चैप्टर से। लिखा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आर क्यू, वैल्यू ऑफ ट्राइपार्मेटिन इज, लिपिड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, 0.7। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, ट्राइपार्मेटिन लिपिड के बारे में बात हो रही है, 0.7 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जेनेटिक्स का ही है ये, क्लासिकल जेनेटिक्स। इन एंटी राइनम मेजर्स, स्नैप ड्रैगन जिसको बोलते हैं, अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस विद अ वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर वर ऑप्टेंड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन। व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ द F2 जनरेशन शोड वाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन कहता है दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ऐसा नहीं है, करता है बल्कि। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेशियो ऑफ F2 इज 4 4 4, रेड का 4, पिंक का 4, वाइट का 4, ऐसा भी नहीं है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं अप्लाई हो पाया है, सेग्रीगेट नहीं कर पाए, अगर सेग्रीगेट हुए होते तो पिंक कलर नहीं आ रहा होता, तो इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं किया है। तो जो टेक्निकल आंसर आ रहा है हमारे पास, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बहुत सारे बच्चों को सेकेंड ऑप्शन में कन्फ्यूजन हुआ होगा, बहुत सारे सेकेंड टिक करके आए होंगे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, यही टेक्निकल आंसर है, और फोर्थ इज अ राइट ऑप्शन। 136 का 4 के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है जहाँ लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए बार बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट करके क्वेश्चन बहुत आया है, तो आपको इनकरेक्ट चूज करना है जो सही नहीं है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, बिल्कुल सही। इन मेल ग्रासोपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोजोम, तो मेल ग्रासोपर में 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, नो सेक्स क्रोमोजोम बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है इन डोमेस्टिकेटेड फूल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, हाँ तो बिल्कुल टाइप ऑफ स्पर्म पे डिपेंड करता है, एग पे नहीं डिपेंड करता है, स्पर्म पे, मेल पे डिपेंड करता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, वो एग पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे नहीं करता है। यहाँ लिखा है इन डोमेस्टिकेटेड फूल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है एग पे, स्पर्म पे नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहा है, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल, ये बच्चों वाला सवाल है, ये हम लोग 9th 10th के बाद पढ़ते हैं। इसका होगा G1S G2M, कोई दुविधा ही नहीं, कोई सोचने का बात ही नहीं, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, G1S G2M, ठीक है। पहले G1 फेज, फिर सिंथेसिस फेज, G2 फेज, फिर डिवीजन फेज आ जाता है, G1S G2M। फोर्थ ऑप्शन 138 का बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल भी सोचा नहीं, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा फोर्थ टिक मार के आया होगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है हमारे पास 139, जहां लिखा है थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। थायोबैसिलस तो डिनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, तो देख लेते हैं क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमोट्रोट्रॉफिक फिक्सेशन,
तीसरा नाइट्रिफिकेशन, और देखिए चौथा ये ऑप्शन मिल जा रहा है डीनाइट्रिफिकेशन, ये भी एकदम पूरा एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थायोबैसिलस का डीनाइट्रिफिकेशन, बिल्कुल 139 फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है हमारे पास, लिखा है पॉली ब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव टू बी अ गुड मटेरियल फॉर। तो पॉली ब्लेंड का इस्तेमाल किया जाता है रोड्स बनाने में, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो देख लेते हैं मेकिंग प्लास्टिक सैक्स, कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, यूज एज अ फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मेकिंग ट्यूब्स एंड पाइप, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। इसको रोड के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज किया जाता है, तो ज्यादातर रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 140 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है।